Welcome back. What's in a name, they say? Well, if you ask a filmmaker, a lot. Yes, a lot of money is at stake जब एक फिल्म बनती है किसी नाम से और फिर उसी नाम को लेकर दो प्रोड्यूसर्स के बीच छिड़ जाती है टक्कर. तो क्या है फिल्मों के टाइटल्स के पीछे की प्रॉब्लम्स और पॉलिटिक्स? इसी कंट्रोवर्शियल इशू पर बात करने के लिए हमारे साथ है फिल्म एंड टेलीविजन प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट और प्रोमिनेंट फिल्म मेकर मुकेश भट्ट. वेलकम टू द शो. थैंक यू. वेल, एज अ फिल्म मेकर, आप अपनी फिल्मों के टाइटल को कितना इंपॉर्टेंस देते हैं? मुझे लगता है कि टाइटल्स इज लाइक, बोलते हैं ना, कि इनसाइट कि आप क्या देखने वाले हैं. और एक पब्लिक को एक पता लग जाता है कि मैं किस टाइप की फिल्म देखने वाला हूँ. तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वेल, आप इतने सालों से फिल्में बना रहे हैं एंड यू ऑलवेज हैड वेरी हार्ड हिटिंग एंड वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइटल्स लाइक राज, मर्डर, आशिकी. तो इन टाइटल्स को लेकर कैसे इश्यूज फेस करने पड़े हैं आपको? देखिए, प्रॉब्लम आज शुरू हुई है, ये लास्ट 5-7 साल में. पहले इतनी प्रॉब्लम होती नहीं थी, क्योंकि पहले जो प्रोड्यूसर्स थे वो कम होते थे एक तो, और दूसरी बात यह है कि जो फिल्म प्रोड्यूसर्स थे वो फिल्म मेकर्स थे. और वो टाइटल उसी वक्त रजिस्टर करते थे जब उनके पास एक कहानी होती थी. आज वो पूरा जो ट्रेंड है वो चेंज हो गया है. आज के प्रपोजल मेकर्स ज़्यादा हो गए, कॉर्पोराइजेशन से जो कॉर्पोरेट्स जो आ गए हैं उन्होंने क्या कर दिया है कि कोई भी टाइटल, भले सब्जेक्ट हो या नहीं हो, उसे रजिस्टर करना शुरू कर दिया. और उस बिकॉज ऑफ दैट वो क्या हो गया, एक होर्डिंग जैसी हो गई है, जिसकी वजह से आज वो प्रॉब्लम आ रही है कि लोगों के पास टाइटल्स नहीं मिल रहे क्योंकि सब टाइटल्स ब्लॉक हो गए हैं. राइट, राइट. वेल, हाल ही में पूजा भट्ट और विपुल शाह के बीच हॉलीडे टाइटल को लेकर कंट्रोवर्सी हुई थी एंड पूजा भट्ट हैड ऑलरेडी रजिस्टर्ड द टाइटल, लेकिन बाद में विपुल शाह वेंट टू अनदर एसोसिएशन और टाइटल उनके नाम हो गया. सो व्हाट्स दैट? विपुल आया था, उसने बात की थी पूजा से. पूजा ने एक फिल्म बनाई थी हॉलीडे, और वो फिल्म अनफॉर्चुनेटली चली नहीं, और उसकी सैटेलाइट राइट अभी तक बिकी नहीं. ओके. अगर उसकी सैटेलाइट राइट बिक गई होती तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि वो सैटेलाइट राइट बिकी नहीं, बोले कि मैं अगर ये टाइटल देती हूँ तो अगर थोड़ी भी कुछ उम्मीद है उसका सैटेलाइट राइट बिकने का, उस पिक्चर का, वो बिकेगा नहीं, क्योंकि टाइटल भी निकल गया हाथ से. तो वो कंसर्न था पूजा का, जेन्युइन. बट अगर मैं कहूँ कि पूजा रॉन्ग है तो वो बात सही नहीं है, और विपुल रॉन्ग है वो बात भी सही नहीं है. वो दोनों अपने जगह सही है. अभी और एक प्रॉब्लम आप अपने पेपर में शायद पढ़ा होगा, एक हमारे प्रोड्यूसर है गोविंद धनवानी, उन्होंने एक फिल्म अनाउंस की है एक्शन जैक्सन, अजय देवगन के साथ, और वार्नर ब्रदर्स ने उस पर ऑब्जेक्शन दिया, वो केस कर दिया. मुझे लगता है करेक्ट नहीं है. And I think it was a 89 film or something. Warner Brothers ने English film बनाई, वो अमेरिका के लिए बनाई. ये हिंदुस्तानी फिल्म है. अभी आप बोलोगे कि मैं बैठूंगा अमेरिका और मैं चाइना को कंट्रोल करूंगा, मैं अफ्रीका को कंट्रोल करूंगा, ये नॉनसेंस है. ये बहुत गलत बात है. पूजा भट्ट के साथ फिल्म थैंक यू टाइटल को लेकर भी सेम इशू हुई थी विद यू नो समवन एल्स गॉट द टाइटल. हां, यूटीवी के साथ. जी, मैं जरा बेखबर स्ट्रेट बोल देता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. So, why was no action taken at that point of time? No, action उस time क्या हो गया था कि वो same problem कि UTV guild के members थे, उनको title मिली नहीं, तो उन्होंने IMPA चले गए. IMPA में आप कोई भी title register कर सकते हैं. मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर producer एक association का member है, उसको और कोई association में register करना allowed नहीं होना चाहिए, ताकि ये मैल प्रैक्टिस बंद हो जाए. या वेल, राजपोर्ट टाइटल को लेकर भी महेश भट्ट और रमेश तौरानी के बीच अभी हाल ही में यू नो क्लैशेस हुई है. सो मैल प्रैक्टिस. अगर आप राज फिल्म देखोगे फुगवान की, प्रोड्यूस बाय मुकेश भट्ट आता है, नॉट मुकेश भट्ट एंड रमेश तौरानी. तो मैं प्रोड्यूसर हूं, वो फाइनेंसर्स थे, वो उनकी प्रेजेंटेशन थी. फिर हमने राज, वो कामयाब फिल्म हुई, फिर हमने राज 2 बनाई किसी और कंपनी के, रमेश तौरानी के साथ, सोनी के साथ, सोनी पिक्चर्स के साथ, वो भी सक्सेसफुल फिल्म हुई. फिर हमने राज 3 बनाई, वो बहुत सक्सेसफुल है. 20th Century Fox हमारे साथ थे, उसमें जुड़े हुए. मैंने टाइटल रजिस्टर किया था राज 4, 5, 6 मेरे पास रजिस्टर्ड थे. उस टाइम मैं मेंबर था AMBTPB का. क्या होता है, हर साल आपको रिन्यू करना पड़ता है टाइटल. एक सिस्टम है. अच्छा. मेरे स्टाफ ने एक दिन डिले कर दिया, ओवरलुक होता है ना, एक ओवरलुक कि भाई वो
360 वेडाइज खत्म हो गया तो इमीडिएटली कर देना चाहिए, जहाँ ओवर लुक कर लिया। और वो ताव में बैठे हुए थे जो वहाँ की कमिटी थी, बिकॉज दे वॉन्टेड टू हार्म मी, तो ये पूरा एक पॉलिटिक्स हुआ था। और उन्होंने जाके फट करके वो टाइटल रजिस्टर कर लिया 4-5। एथिकली गलत है। अगर आज कल मैं वो लूपहोल को पकड़ के अगर कल मैं रेस 3 रजिस्टर कर लूँ, शोभा देगा मुझे? नहीं, क्योंकि रेस 1 रेस 2 रमेश थोरानी ने बनाई है। जी, तो क्या आपने बात की उनके साथ? मैंने बात की उसे, वो बात समझ के बाहर। बट द फ्रेंचाइज हमारा है, राज हमने वो राज को फ्रेंचाइज बनाया, बाय 1 बना के 2 बना के 3 बना के उन्होंने ने बनाया। तो ही हैज नो एथिकल मॉरल राइट ओवर दैट, दैट इज कम्प्लीटली आज। कल मैं कुछ लूपहोल करके धूम 4 रजिस्टर कर लूँ तो दुनिया तो जूता मारेगी मेरे चेहरे पे, क्योंकि हाउ कैन आई डू इट, दैट इज आदित्य चोपराज, और उसका हक बनता है। उल्टा ये रूल करना चाहिए कि अगर फ्रेंचाइज किसी कंपनी ने शुरू कर दिया उसको आगे की फ्रेंचाइज रजिस्टर करने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। आप ना सिर्फ फिल्म गिल्ड के प्रेसिडेंट है बट यू आल्सो अ वेरी रिस्पेक्टेड फिल्म मेकर, सो वेयर डू यू सी दिस इशू गोइंग फ्रॉम हियर? इसको बहुत सीरियसली हम लोगों के साथ एंगेज करेंगे और इसका कोई ना कोई हल निकालना वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये नेतन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और ये बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाला है आने वाले कल के लिए। हमें बात करनी पड़ेगी फॉरेन स्टूडियोज जो यहाँ आए हैं उनके साथ भी, ताकि वो एक्शन जैक्शन जैसी इंसिडेंट वापस दोहराई नहीं जाए। और प्लस हमारे एसोसिएशन में हमको बात करना पड़ेगा कि भाई ये जो होर्डिंग है उसको बंद करो, और कुछ नए जो मैंने आपको जो सजेशन दिए हैं आज उसको हम अगर उसका हम पालन करें तो बहुत अच्छा होगा कल के लिए। वेल दिस वाज अ ग्रेट चैट एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो कैंडिड ऑन आवर शो, एंड रियली विश एंड रियली होप दैट दिस इशू गेट्स सॉल्वड। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक्स, अ प्लेजर।